नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन तेज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर देश भर में कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सोनिया गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में कांग्रेस के तीन नेताओं ने प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। कहा अब खड़गे के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। गौरव वल्लभ, दीपेंद्र एस हुड्डा और सईद नसीर हुसैन ने दिया इस्तीफा। गुजरात में केजरीवाल पर फेंकी गई पानी की बोतल। राजकोट में आयोजित गरबा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे दिल्ली सीएम। केजरीवाल के साथ पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। पटना में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जन सुराज यात्रा की शुरुआत। प्रशांत किशोर ने किया आगाज। गांधी जयंती पर चंपारण जिले से बिहार में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरू। देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन में इजाफा। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में 26% की हुई बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। स्वदेशी, स्वच्छता, ग्राम स्वराज मंत्रों को अपनाने का दिया संदेश। यूपी के सिद्धार्थनगर पहुंची सुबह सपा की सावधान यात्रा। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। यूपी के कानपुर में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 26 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। लापरवाही बरतने पर थानेदार समेत 5 लोग सस्पेंड। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा गांधी जी में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए किया प्रेरित। भाजपुर में नहीं दिखा अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद का असर। कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापारियों का समर्थन देने में रहे असफल। उधम सिंह नगर के जसपुर में एक युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास। करीबी रिश्तेदार पर लगाया ब्लैकमेल का आरोप। बेटे को जान से मारने की दिखा धमकी। हरिद्वार के कनखल के दरिंद्र भजन मंदिर में अजगर निकलने से मची अफरा तफरी। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की क्यूआरटी टीम। अजगर का किया रेस्क्यू। रुड़की नगर निगम हॉल में नेशनल ह्यूमन राइट्स का कार्यक्रम। कार्यक्रम में लखनऊ से पहुंचे सलमान हुसैन नकवी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप डॉक्टर आनंद रहे मौजूद। हरिद्वार में देहरादून से रामपुर तिराहे एक निकाली शहीद सम्मान साइकिल यात्रा। 130 किलोमीटर की साइकिल यात्रा में 40 साइकिलिस्ट हुए शामिल। हस्तक्षेप सामाजिक संगठन ने निकाली यात्रा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में गांधी जयंती के अवसर पर मनाया गया आयुष्मान पखवाड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने किया आयोजित। विधायक प्रतिनिधि और जनपद उपाध्यक्ष रहे शामिल। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 लोगों के हत्याकांड का खुलासा कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुम्हारी थाना क्षेत्र के कपसदा खवा का मामला। छत्तीसगढ़ के एमबीसीबी के अमृत धारा जलप्रपात का मामला। विधायक और प्रशासन पर कमीशन खाने का आरोप। ग्रामीण और पर्यटकों ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिल्डर ने खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। कैंसर की बीमारी से पीड़ित बिल्डर ने तनाव में आकर आत्महत्या का उठाया कदम। गांधी जयंती पर सचिवालय में सीएम अशोक गहलोत ने दी बापू को श्रद्धांजलि। एसएमएस स्टेडियम सहित प्रदेश भर में 1.5 करोड़ लोगों की ओर से प्रार्थना सभाओं का आयोजन। सभाओं के जरिए गहलोत सरकार बना रही विश्व रिकॉर्ड। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पहुंचे राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा। लोगों को संबोधित कर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी भेंट। इस दौरान कई कांग्रेस नेता रहे मौजूद। नागौर के मेड़ता में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। डीवाईएसपी सहित आसपास के थानों का पुलिस जाप्ता रहा मौजूद। सवाईमाधोपुर के मलाना डूंगर में तेज रफ्तार का कहर। बढ़ौती मथुरा हाईवे पर कार ने भैंस को मारी टक्कर। हादसे में भैंस की मौत, कार सवार 3 गंभीर घायल। बानसूर में दर्दनाक सड़क हादसा। माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में एक महिला की मौत, 18 यात्री गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी में ताऊ भतीजे पर टूटकर गिरी 11,000 की लाइन। करंट लगने से ताऊ की मौत। भतीजे को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया। सहायता और सरकारी नौकरी की मांग पर धरने पर बैठे परिजन। नीमका थाना जिला बनने से पहले खेतड़ी में विरोध। खेतड़ी को नीमका थाना में लाने की सूचना पर हुआ विरोध। क्षेत्र की 7 पंचायतों की हुई सामूहिक बैठक। बारा में विश्व अहिंसा दिवस पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का सम्मान। कलेक्टर और जिला प्रमुख ने सूत की माला और श्रीफल देकर किया सम्मान।
सिरोही में चिकित्सा सुविधाओं के दावों की खुली पोल, गर्भवती को ट्रैक्टर ट्रॉली में करना पड़ा 15 किलोमीटर का सफर तय। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिलने पर निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर ग्रामीण। डूंगरपुर में विश्व अहिंसा दिवस पर गांधी को नमन, बापू की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, बच्चों के साथ राज्य मंत्री, कलेक्टर और SP ने निकाली प्रभात फेरी। महात्मा गांधी की जयंती, कोटपुतली में राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम, ADM, SDM, तहसीलदार और प्रिंसिपल ने किया माल्यार्पण। अजमेर में मनाई गई महात्मा गांधी और शास्त्री जयंती, मसूदा भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि, गांधी के आदर्श और विचारों को अपनाने का किया संकल्प। मेड़ता सिटी में मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती, मीरा स्मारक से गांधी चौक तक निकाला गया शांति मार्च, गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन की अर्पित। धौलपुर में गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा का आयोजन, RSCC ग्राउंड पर हुआ मुख्य समारोह, राष्ट्रपिता के आदर्श और सिद्धांतों पर चलने का किया आह्वान। जालौर के रानीवाड़ा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, नशा मुक्ति की दिलाई शपथ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। अलवर के रामगढ़ में गांधी जयंती पर स्कूल में ब्लॉक स्तरीय सर्वधर्म सभा का आयोजन, पंचायत समिति की ओर से हुआ आयोजित, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। शारदीय नवरात्र का सातवां दिन आज फतेहपुर शेखावटी में मंदिरों, दुर्गा पंडालों में माता कालियात्री की पूजा, 1008 दीपक से की महाआरती, उमड़ा जनसला। झुंझुनू के चिड़ावा में दुर्गा पूजा महोत्सव आयोजित, दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ा आस्था का सैलाब, माँ शांकभरी के पाठ के साथ सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन। नागौर के लांडू में शारदीय नवरात्र पर धार्मिक आयोजनों की धूम, मंदिरों में उमड़ रही भारी भीड़, भूतोड़िया ग्राउंड पर हो रहा प्रतियोगिताओं का आयोजन। नवरात्र की सप्तमी पर देशमुख में निकली गई शोभा यात्रा, लोगों ने जगह जगह पुष्प बरसा कर किया स्वागत, माँ करणी का मनाया गया 635वां जन्मोत्सव। अजमेर के सावर में बावन माता मित्र मंडल की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा कई जगहों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची, भक्तों ने की महाआरती। भरतपुर के अभिनंदन मैरिज होम में ब्रज कॉट चैलेंज के ऑडिशन का आयोजन, रोशनी संगठन ने किया आयोजित, डांस और सिंगिंग में बच्चों ने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। फिलहाल के लिए एवं तेज में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवं टीवी। नमस्कार।